हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे केपीआई ग्रीन, केपी एनर्जी और केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के बारे में, जिनमें तीनों में शानदार अपर सर्किट आज भी देखने को मिला। हालांकि मॉर्निंग में मार्केट में तेज़ी थी, बट मार्केट में थोड़ी बाद में गिरावट देखने को मिली। तो एक दो बार केपीआई ग्रीन का सर्किट खुला, केपी एनर्जी का भी खुला, बट केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का सर्किट खुला नहीं। और दिन भर तीनों भी शेयर फाइनली अपर सर्किट में क्लोज हुए। केपीआई ग्रीन का आज का रेट था 1973 रुपीज़, जो कि अपने 52 वीक हाई 2110 रुपीज़ के पास बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी भी एमओ ऑर्डर 15,000 शेयर्स की लगी हुई है केपीआई ग्रीन एनर्जी में। केपी एनर्जी का आज का रेट था 471 रुपीज़, जबकि 52 वीक हाई था 515 रुपीज़। तो उसमें भी हमें जल्दी ही ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल सकता है। और केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का आज का रेट था 650 रुपीज़, तो ये भी जल्दी ही ब्रेकआउट देने के कगार पर है। तो तीनों भी शेयर अच्छे जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बार बार बताया है कि तीनों शेयर में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तीनों भी शेयर स्ट्रांग है। मार्केट की गिरावट में थोड़ा सा अगर करेक्शन भी हुआ तो फिर से इसमें हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। तो तीनों भी शेयर अभी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। और केपीआई ग्रीन में तो स्प्लिट की न्यूज़ आने वाली है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं 23 तारीख को। तो वो भी एक, उसके बाद भी एक बड़ी पॉजिटिव बात हो जाएगी। और केपी एनर्जी के रिजल्ट भी अच्छे आए थे और केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के भी रिजल्ट अच्छे आए थे। तो तीनों भी शेयर अच्छे हैं और अभी और भी तेज़ी की संभावना इसमें बनी हुई है। मार्केट में गिरावट होगी तो तीनों शेयर में थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है, बट मार्केट में अगर कल भी तेज़ी रही तो कल तीनों शेयर कल भी अपर सर्किट में क्लोज हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।